हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारी बात हो गई थी अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का जो सामान्य परिचय है, अल्कोहल का वर्गीकरण, और साथ ही साथ एक और टॉपिक अपने डिस्कस किया था अल्कोहल के नामकरण के बारे में। और वहां पर मैंने आपको अल्कोहल में नामकरण में जो तीनों पद्धतियां काम में आती है, जिसे आप सामान्य पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और इसके साथ साथ आयुबीएसी पद्धति, इन तीनों पद्धतियों के बारे में मैंने डिस्कस किया था और मैंने वहां पर बहुत सारे उदाहरण भी आपको दिए। आज हम स्टडी करने वाले हैं इसमें एल्कोहल की संरचना, कि जो एल्कोहल है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब देखिए, जनरल अगर आप बात करें कि एल्कोहल को आप किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो हम दर्शाने के लिए अपन क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। एल्किल एल्कोहल अपन इसको नाम दे रहे हैं। अब इस एल्किल एल्कोहल को अपन यहाँ पर ले लेते हैं कि इसमें किस प्रकार की संरचना होगी और इसका बंधन बॉन्ड किस प्रकार से यहाँ पर बनने वाले हैं और साथ साथ बंध कोण क्या होगा। तो देखिए, संरचना में अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ ये अपना एल्किल ग्रुप है और साथ ही साथ हमारे पास ये एच। ऑक्सीजन के पास क्या है, खुद के दो एल्पी, ठीक है ना, यानी कि लोन पेयर हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, चार है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक, दो, तीन और चार, चार सिग्मा बंध बन रहे हैं। चार सिग्मा बंध बनने के कारण अगर यहां पर आप संकरण की बात करें तो संकरण कौन सा होगा, यहाँ पर संकरण यहाँ पर आपके पास होगा sp3। कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। और हम जानते हैं sp3 संकरण में जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये क्या होता है, उसका बंध कोण होता है। लेकिन इतना बंध कोण नहीं मिलेगा, ये बंध कोण आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है, लगभग 108 डिग्री और 9 मिनट के आसपास ये हमें बंध कोण इसका मिलने वाला है, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ये लोन पेयर। लोन पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण के माध्यम प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे यहां पर कि बंध कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण यानी कि बॉन्ड एंगल जो है आपका, बॉन्ड एंगल वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट ना मिलकर आपको 108 डिग्री 9 मिनट के आसपास आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमने बात की एल्कोहल की संरचना, और sp3 संरचना होती है तो जरूरी नहीं कि उसकी जो ज्यामिति है वो आपको ज्यामिति देखो चतुष्फलक की रहेगी, लेकिन आकृति बदल जाती है, आकृतियां बदलेगी लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये असहभाजित इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से अगर आप देखें तो इसकी आकृति जो है वो कैसी आकृति मिल रही है आपको, मुड़ी हुई आकृति मिल रही है। कैसी आकृति मिली हुई है, मुड़ी हुई आकृति इसके पास है, या आप इसको वी शेप भी बोल सकते हो, वी शेप भी बोल सकते हो। तो ये इसकी क्या हो गई हमारे पास, आकृति हो गई। sp3 संकरण में ज्यामिति की बात करते हैं तो ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलक की ज्यामिति हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास एल्कोहल का क्या आ गया है, ठीक है, संरचना आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो होगा एल्कोहल का निर्माण। नेक्स्ट हमारे पास एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल बनाने की विधियां, कि आप एल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। प्रिपरेशन एल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली विधि जो हमारे पास है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन, ये पहली विधि हमारे पास है कि एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाए, एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कैसे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है, जैसे हमने लिया RH, ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने करानी है किस किस के साथ, आप करा सकते हैं बोर्ड पे देखिए, आप एक्वस KOH के साथ करा दो, जलीय KOH, एक्वस का जलीय KOH हो गया, या फिर आप इसकी अभिक्रिया नम Ag2O के साथ करवा सकते हो, या फिर इसकी अभिक्रिया आप NaOH के साथ भी करा सकते हो। इन सबके साथ आप अभिक्रिया करवा सकते हो किसकी, एल्किल हैलाइड की, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जैसे मैंने आपको क्लियर करवाई है एक्वस जलीय KOH के साथ,
तो जब आप जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ये एक्स के साथ बंध बना लेता है, ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएगा, KX, और साथ में मेन कंटेंट क्या आएगा, ROH एल्कोहल बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन गया है, एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी थ्योरी भी लिख सकते हो, थ्योरी क्या लिखनी है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। इसी टाइप से आप यहाँ पर ले सकते हैं कि आप आर की जगह CH3 और CL ले लीजिए और फिर अभिक्रिया करा लीजिए किसके साथ, KOH के साथ, KOH हमारा एक्वस है, क्या बन जाएगा यहाँ से आपका KCl बाहर हो जाएगा, KCl बाहर हो जाने के बाद मेन कंटेंट जो है वो मिलेगा CH3OH, यानी कि मेथेनॉल आपके पास मिल गया है, ठीक है। और इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया C2H5Br, ठीक है, अभिक्रिया कराई गई है KOH के साथ, फिर आपको एक्वस KOH लेना है, आपको यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा, बनने वाला कंटेंट क्या होगा, C2H5OH और साथ में KBr, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए कि एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब जरूरी नहीं है कि आप एक्वस KOH के साथ ही एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएं, आप यहां पर नम Ag2O भी ले सकते हैं, जिसको आप आर्द्र Ag2O भी बोल सकते हैं, या फिर आप NaOH भी ले सकते हैं, तो हम इसकी भी अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। अब ये अभिक्रिया करना, तो नम Ag2O किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, NaOH किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, चलिए उसकी अभिक्रिया देखिए आप ना। देखो अभिक्रिया करा रहे हैं अपन नम Ag2O, ठीक है। तो पहले तो नम Ag2O का मीनिंग क्या है उसको समझिएगा। नम का मतलब क्या है कि इसके अंदर नमी है, आर्द्रता है, आर्द्रता है, तो आर्द्रता होने का मतलब तो यही हो गया कि इसके पास क्या है, जल के अणु है, यानी कि जल वाष्प के फॉर्म में है इसके पास, तो मैंने इसको बोल दिया कि इसके पास क्या है, इस तरह से जल का अणु, ठीक है। जब ये जल का अणु इसके साथ क्रिया करता है तो ये एक और कंटेंट बना लेता है, क्या बना लेता है, ये एच प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, जैसे ग्रहण करेगा OH बन जाएगा, दो Ag है, दो ही क्या हो गया हमारे पास, H हो गया, तो जो कंटेंट मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, वो मिलेगा 2AgOH। तो अभिक्रिया या तो आप AgOH के साथ करवा दीजिए या फिर नम Ag2O लेकर करवा दीजिए, एक ही बात, ठीक है ना। जैसे अपन यहां पर इसकी अभिक्रिया ले जाए, हमने ले लिया है एल्किल हैलाइड आर एक्स, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, नम Ag2O के साथ। तो देखो लिखा हुआ तो आपको ऐसे मिलेगा नम Ag2O, नम Ag2O के साथ अभिक्रिया कराओ। अब नम Ag2O के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ROH मिलेगा और साथ में AgH आएगा। अब ये कैसे आ गया, ठीक है ना, अरे ये डायरेक्ट नहीं आया, ये इस टाइप से आ रहा है। तो आप अभिक्रिया को इस टाइप से ना कराकर, Ag2O के साथ ना कराकर आप ये भी डाल सकते हैं, कैसे, इसी अभिक्रिया को जैसे अपन लिख रहे हैं आर एच प्लस क्या लिख रहा हूं हमारे पास AgOH, ठीक है ना, एक ले लो AgOH। अगर इसको दोनों को साथ में लेना चाहते हो तो फिर उधर उसको डबल कर दो, आर एक्स कर दो, तो यहां से आपको पता चल गया होगा क्या हो रहा है, AgX आ रहा है, तो AgX को आप क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए और साथ में क्या लगा दीजिए, आर के साथ में OH, देखो ये दोनों कंटेंट सेम हो गए। तो इस तरह से क्या करता है, Ag2O नाम Ag2O अभिक्रिया करता है। थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, NaOH है, तो NaOH का एग्जांपल किस तरह से लेंगे कि ये हमारे पास RX एल्किल हैलाइड है और इसकी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं NaOH के साथ, तो ये तो बहुत इजी हो गया, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, X के साथ Na जुड़ा हुआ मिलेगा, X के साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, NaX हो गया, और इधर क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ओके ओके कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि आगे अभिक्रिया किस प्रकार से प्रोसीड होगी। देखो ये उदाहरण आपको समझ में आएगी होगी, तो ये हमने देखा एल्किल हैलाइडों के साथ जल अपघटन, एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन और किस प्रकार से अभिक्रिया बनती है, हमने उसके बारे में यहां पर स्टडी की है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, सुनिएगा, एल्किल हैलाइडों के साथ आपने अभिक्रिया देख ली, अब दूसरी अभिक्रिया मेरे पास है ईथर का जल अपघटन,
दूसरी अभिक्रिया क्या है? ईथर का जलक। दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास ईथर का जलघटक। कि ईथर किस प्रकार से जल अपघटित होगा? सबसे पहले तो ईथर होता क्या है? द्विसंयोजी ऑक्सीजन। द्विसंयोजी ऑक्सीजन जो है वो ईथर का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उसका जल अपघटन किस प्रकार से होगा। देखो, जैसे हमने ले लिया है ईथर और इसका क्या करा दिया है हमने? जल अपघटन, ठीक है ना। सीधे सीधे उसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है हमें? जल के साथ अभिक्रिया करानी है, ओके। तो देखो, अब इसको तोड़ने का भी बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। एल्कोहल ही बनाना है, तो एल्कोहल बनाने के लिए देखो इथर को आप ब्रेक कर दीजिए, कोई सा भी ओआर बंद तोड़ दीजिए। ओआर बंद दो है, एक ये बंद है, एक ये बंद है, कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरफ अगर आप इससे देखेंगे तो एच के ऊपर पॉजिटिव है, ओएच के ऊपर नेगेटिव। अब आप जोड़ दीजिए, इसका नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया करेगा, तो आर को ओ के साथ है जोड़ दो। और दूसरा देखिए, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन गया? तो इस तरह से आपको क्या बनता है? ईथर के जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बनता है। उदाहरण ले लेते हैं, कैसे हमने उदाहरण ले लिया है? CH3OCH3, ये हमारे पास ईथर है। ईथर का नाम क्या है? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ईथर। ईथर का नाम क्या है? डाइमिथाइल। और इसका हमने क्या करा दिया है? जल अपघटन करा दिया, बहुत इजी, ठीक है ना। क्या करना है? सेम वही, जल को ब्रेक कर दो, जल को तोड़ना है, एच प्लस और ओ एच माइनस में टूट जाएगा। इस ओ आर बॉन्ड को मैंने तोड़ा है, इसके ऊपर माइनस लगेगा, इसके ऊपर प्लस लगेगा। ऑक्सीजन की विद्युतता कार्बन से ज्यादा है, इसीलिए इस पर माइनस आ रहा है। अब आप साफ से देख ही सकते हो CH3O पे माइनस है, माइनस के साथ एच प्लस को जोड़ दीजिए। और इधर देखिए, इस पर आपके पास है CH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ किसको जोड़ दीजिए? OH। तो इस तरह से आपको दो क्या मिल रहे हैं? मैथिल एल्कोहल मिल रहा है। तो ये हमारे पास रिएक्शन के ईथर का जल अपघटन। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया हमारे पास, तीसरी अभिक्रिया क्या है? देखो तीसरी अभिक्रिया जो हम देख रहे हैं वो कार्बनिक यौगिकों के अपचयन वाली है। थर्ड अभिक्रिया की बात करें, थर्ड अभिक्रिया हमारे पास है कार्बनिक यौगिकों का अपचयन, कार्बनिक यौगिकों का अपचयन। ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और यहां से बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों का जो अपचयन है वो किसी ना किसी अपचायक की फॉर्म में होता है। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक है क्या। तो कार्बनिक यौगिकों के लिए अपन ग्रुप लगाते हैं C-1, इसको अपन नाम देते हैं क्या? कार्बोनिल समूह। इसका नाम क्या हो गया? कार्बोनिल समूह नाम हो गया। कार्बोनिल समूह के दो उदाहरण है, कार्बोनिल समूह के हमारे पास दो उदाहरण है। दो उदाहरण कौन सा है? एक तो हमारे पास एल्डिहाइड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? कीटोन होता है। दूसरा ग्रुप क्या है हमारे पास? कीटोन। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन किसके उदाहरण हो गए हैं? कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। अब इन दोनों का अपन को अपचयन कराना है, तो अपचयन कराने के लिए अपचायक का होना जरूरी है। इसका होना जरूरी है अपचायक। तो यहां पर कौन कौन से वो अपचायक आप यूज में ले सकते हैं? अपचायक की फॉर्म में आप यहां पर ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया सोडियम, सोडियम के साथ आप डाल सकते हैं एथिल अल्कोहल। क्या डाल सकते हैं? एथिल अल्कोहल डाल सकते हैं, ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट। और दूसरा क्या ले सकते हैं आप? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप और कंटेंट भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम के साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास? अपचायक है। इन अपचायक की उपस्थिति में ही हम क्या कराने वाले हैं? कार्बनिक यौगिकों का अपचयन कराने वाले। अपचयन तभी होता है तब हमारे पास कोई अपचायक हो, ठीक है ना, जो उस कंटेंट को, उस कंपाउंड को रिड्यूस कर दे, अपचयित कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको रिड्यूस करने के लिए, अपचयित करने के लिए इन अपचायकों को उपयोग में लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से स्टडी की जाएगी इसके बारे में देखो। जैसे हमने लिखी है कार्बनिक यौगिक C-1, ये हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है और इसका हमें क्या कराना है? अपचयन कराना। अपचयन करने के लिए मैंने डाल दिया है लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक उपसंयोजन सीधे प्योरी है, ठीक है ना। अपचेन करवाना है तो अपचेन करेगा तो हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, एड होंगे, तो मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन अणु ले लिया, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन अणु क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन को इक्वली यानी कि समान रूप से वितरित करना है। एक हाइड्रोजन आप यहां लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन आप यहां लगा दीजिए। इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन यौगिकों का अपचयन, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण लेकर देख रहे हैं, मैंने आपको यहां दिया है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। नाम क्या है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का आप क्या कर रहे हो, आप चेन कर, इसकी प्रेजेंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा एक एच इधर जोड़ दीजिए, एक कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा एच सी, यहां पर एक एच, यहां पर ओ एच, और इधर क्या रहेगा एक एच। अगर आप इसको मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी एस थ्री ओ एच, मिलाकर लिखने पर क्या आएगा, सी एस थ्री ओ एच। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की जगह आप एक और कंटेंट ले सकते हैं सी एस थ्री सी एच, इसको आप नाम देते हैं क्या, एसिटैल्डिहाइड। नाम क्या हो गया, एसिटैल्डिहाइड। इसकी अभी क्लियर थी वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया है तो ये एक कॉमन सेंस की बात हुई कि वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा यानी कि उसको रिड्यूस करेगा ना, अपचयन करेगा। तो ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया ये खुद बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आने वाला है, उसका अपचयन होने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर आप अपचयन कराएंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी, सी एस थ्री। अब देखो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से ही है, एक और जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दीजिए, एच। इस प्रकार से ये क्या है, एक तरह से कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन है। अब देखिए अगर कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन सोडियम प्लस एथेनॉल की वजह से हो रहा है तो फिर उस अभिक्रिया का एक नाम है, उसको अपन बोलते हैं मूवो ब्लांक। अभी उसे देखते हैं, देखो अपचयन तो आपने करवा दिया, अपचयन तो आपने करवा दिया है, ये हमारे पास एक कार्बोनिल यौगिक और कार्बोनिल कंपाउंड का हमने अपचयन किया है, लेकिन अपचयन हमने किया है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में, सोडियम प्लस एथेनॉल। एथेनॉल को आप ETOH भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट उसका फॉर्मूला C2H5OH भी डाल सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो एक रिएक्शन तो उसी टाइप से होगी, हाइड्रोजन आपको उसी तरह से जोड़ने, लेकिन इस अभिक्रिया का नाम हो, अभिक्रिया का नाम है बो ब्लांक, बो ब्लांक अपचयन। इसीलिए अभिक्रिया क्या है, समाप्त हो गई। अब सोडियम प्लस एथेनॉल अगर आपने लिया है, जैसे आपने यहां ले लिया, दोनों तरफ आपने क्या डाल दिया है, CH3 दोनों से इफेक्टों पर, यानी कि आपने लिया है कीटोन, कीटोन में भी आपने एसीटोन लिया, एसीटोन का आप क्या करा रहे हो, अपचयन करा रहे हो, इसकी प्रेजेंस में सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस। कुछ नहीं, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड एक एच इधर जोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, क्या मिलेगा आपको, CH3 CH3 CH और OH। नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल नाम, ठीक है, साइक्लिन एल्कोहल भी बोलते हैं, कल बताया था मैंने आपको। तो इस तरह से ये अपने पास क्या हो गया, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन भी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थ्योरी कैसे लिखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, इसे बुगो ब्लांक अपचयन कहते हैं, ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड के बाद फोर्थ रिएक्शन आती है वो अपन देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके इलेक्ट्रॉनों का अपचयन। देखिएगा नेक्स्ट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी हमारे पास इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, फोर्थ टाइप की अभिक्रिया है, और यहां से भी क्या होता है, क्वेश्चंस आपको एबीसीडी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अभिक्रिया का नाम है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्नों का हमें क्या कराना है, अपचयन कराना, उनके व्युत्पन्नों का अपचयन देखना, किस प्रकार से उनका अपचयन होगा उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक और व्युत्पन्न को अपचयन के लिए अपचयक में यहाँ पर एक कॉमन अपचयक इसमें लेना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हम यहाँ पर अपचयक के रूप में लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सब जानते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और मैंने यहाँ जोड़ दिया है क्या जेड, यहाँ पर क्या जोड़ दिया है जेड, जेड एक ग्रुप है, जेड एक ग्रुप है, तो ये देखो जेड की फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, जेड की फॉर्म में ओ एच आ जाएगा, ठीक है ना, जेड की फॉर्म में अगर ओ एच आ रहा है तो उसे आप नाम देते हो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम देते हो, और जेड की फॉर्म में अगर आपने क्या ले लिया है सी एल, ठीक है ना, तो फिर आप उसे क्या नाम दोगे, कार्बोक्सिलिक क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। तो इस तरह से आपने क्या किया दो ग्रुप बना लिया, और अगर आप फिर आगे बढ़ गए और आगे बढ़ के आपने जेड के स्थान पर क्या लगा दिया है NH2, तो फिर ये क्या हो गया एसिड अमाइड हो गया, ये नाम क्या हो गया एसिड अमाइड हो गया, और इसके बाद फिर आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ के आपने इसके स्थान पर क्या लगा दिया है ओ आर लगा दिया, क्या लगा दिया है ओ आर, ओ आर लगा के आपका क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा। इसी तरह से आप और भी आगे जा सकते हो और ओ सी ओ आर और जोड़ सकते हो, फिर ये क्या हो जाएगा इसका नाम आएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो आपने देखा इस तरह से, देखो ओ एच लगते ही तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आ रहा है, और इसके बाद आप देखो सी एल एन एच टू ओ आर और ओ सी ओ आर, ये सब इनके क्या है डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है, अम्ल के व्युत्पन्न है, ठीक है ना, इनको हम नाम क्या देते हैं अम्ल व्युत्पन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं और उनके व्युत्पन्न कैसे बनाए जाते हैं, तो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों के बारे में बताया, ठीक है ना। यहां से आप इस जेड ग्रुप को फिक्स करके है ना ओ एच सी एल एन एच टू ओ आर ओ सी आर कुछ भी आप जोड़ सकते हो और उसका आप व्युत्पन्न बना सकते हो। अब इन्हीं व्युत्पन्नों का हम क्या करा रहे हैं अपचयन करा रहे हैं, इन्हीं व्युत्पन्नों का क्या करा रहे हैं अपचयन हमें करवा रहे हैं। देखिएगा जैसे अपचयन के लिए हमने क्या ले लिया है, सबसे पहले आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सब जानते हैं एसिड हमारे पास नाम क्या है इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नाम क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम क्या करा रहे हैं अपचयन करा रहे हैं। अपचयन कराने के लिए आपने ले लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, क्या ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो अपचयन जब होगा तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड पर सबसे पहले अटैक होगा, ठीक है ना, या आप ये बोल दीजिए कि अपचयन जब कराओ या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो या फिर इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए, दोनों बॉन्ड ही ब्रेक हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहां पर क्या लग जाएगा एच, और इधर भी क्या लग जाएगा एच, क्या बन जाएगा आर सी एच, और इधर क्या बन जाएगा एच टू, यानी कि आपने यहां से क्या रिलीज कर दिया एच टू बाहर निकाल दिया। अब इधर बनने वाला ग्रुप क्या है आर सी एच ओ, यानी कि इसका भी आपको क्या करना है वापिस अपचयन कराना है, अपचयन कराने के लिए वही आप टू एच रखो, इसका थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करके लिखते हैं, यहाँ पर अपन डबल बॉन्ड लगा दिया ये एच लगा दिया, कंटेंट वही है उधर वाले, अब इसको क्या करो तोड़ दो ब्रेक करो, जैसे ब्रेक होगा एक एच इधर लग जाएगा एक एच इधर लग जाएगा, अब आप लिख के लिख लो आराम से, प्रोडक्ट में जो है वो आर आएगा, आर के बाद देखो सी एच टू बनेगा और उसके बाद ओ एच बनेगा, ये आपका क्या बन गया एल्कोहल बन गया, क्या बन गया एल्कोहल बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इसका अपचयन करवा सकते हो। एग्जाम में इस तरह से आपको पूरा नहीं मिलेगा, अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है इसका, देखो जैसे आपने लिख दिया सी एस टी सी डबल बॉन्ड ओ एच और टू एच भी नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया है, बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको दो स्टेप से गुजरना पड़ता है, जब भी एसिड का अपचयन होता है तो डायरेक्ट नहीं होता है, पहले वो कार्बोनिल समूह में गुजरेगा, यानी कि कार्बोनिल समूह में आएगा, यानी कि आपका कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड आ गया, फिर एल्डिहाइड का अपचयन होता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है एल्कोहल मिलता है,
अब इसमें जैसे आप बोलोगे सर डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान रखें, आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म का मतलब कुछ नहीं करना। देखो इधर देखो, आपको सीधे क्या करना है, चार एच जोड़ देना है, कितने एच जोड़ देना है, चार, और इस डबल बॉन्ड को सीधे सीधे हटा देना है, डबल बॉन्ड को हटा के इधर जोड़ दो क्या दो एच, यानी कि एच टू इधर जोड़ दो और एच टू इधर जोड़ दो, चार एच नहीं थे, दो एच यहां जोड़ दिए, दो एच यहां जोड़ दिए, देखिए बहुत इजी हो गया आपके लिए, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा एच टू की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या बच गया CH2 और साथ में क्या रहा OH, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट याद करने का सबसे आसान तरीका है, इतना बड़ा आपसे याद हो या नहीं हो, लेकिन ये जरूर आप रिएक्शन को तोड़कर डायरेक्ट फाइनली प्रोडक्ट यानी कि फाइनल उत्पाद क्या बनेगा वो आप यहाँ पर लेकर आ सकते। तो ये आपने देखा कि कार्बोन जो आपका कार्बोक्सिल समूह है, एसिडिक समूह है, ठीक है, उसके अपचयन से आप किस प्रकार से एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं ये वो अभी देखिए, ठीक है, यानी कि इसको आप दो टाइप से कर सकते हो, ऊपर वाली अभिक्रिया को डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली अभिक्रिया भी डायरेक्ट हो सकती है, देखो डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे, आपने दो एच यहां काम में ली है और दो एच आपने यहां काम में ली है, चार एच आपने काम में ली है, कोई दिक्कत नहीं, चारों को एक साथ लिखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लिखो और यहां लगा हुआ H2 और एक बार H2 यहां लगा, देखो बहुत इजी हो गया H2 बाहर निकल गया, आप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्या बनता है, अब हम बात करते हैं आगे इसी ग्रुप के अपन व्युत्पल लेकर देखते हैं, ठीक है, ऐसे व्युत्पन्न उदाहरण लेते हैं, देखो जैसे मैंने आपके पास ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और हम क्या करा रहे हैं इसका अपचेन करा रहे हैं, हमने ले लिया है गोल्ड अपचेन कराने के लिए, हमारे पास क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सेम प्रोसेस है अलग नहीं है, देखो क्या करना है एक एच के साथ सी एल को बाहर कर दो भैया, दो एच हमने ले रखे थे, एच सी एल बाहर हो गया, जैसे ही HCl बाहर होगा आपके पास कंटेंट मिलेगा CH, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड आ गया है, क्या आ गया एल्डिहाइड, और अभी बताया था एल्डिहाइड का अपन को क्या कराना है वापस अपचेन कराना है, दो एच लो किसकी प्रेजेंस में कराओगे वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराओगे, अब क्या करना है आपको ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक होगा दो एच से एक इधर जोड़ दीजिए एक इधर जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा RCH2OH, अब दो स्टेप में रिएक्शन क्यों करें, एक स्टेप में भी तो रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखो एक स्टेप में रिएक्शन कैसे होगा आर सी डबल बॉन्ड और सी एल कितने एच काम में ले लिया आपने दो और दो चार, यहां लिख दीजिए आपने कितने एच काम में लिए चार, तो मैं इसको लिख रहा हूं एस टू की फॉर्म में, और यहां यूज में लेंगे अपन क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या यूज में लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज में लेना है, देखो करना कुछ नहीं है यहां पर है, जैसे ही आप देखोगे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे एक एच इधर लगाना पड़ेगा और एक एच इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और इस सीएल को बाहर निकालना चाहोगे तो सीएल को बाहर निकालने के लिए एक एच यहां जोड़ो तो एक एच कार्बन की तरफ जोड़ो, तो देखो दिखाई दे रहा था यहां से एच सी एल बाहर हो गया बचा क्या आर सी एच टू ओ एच, क्या बच गया है आर सी एच टू ओ एच, ये तो मिल रहा है आपके पास, तो ये हमारे पास क्या है फाइनल प्रोडक्ट आर का, आर जो हमारे पास एल्किल ग्रुप है इसकी जगह आप CH3 C2H5 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, कुछ भी आप आर की जगह रखकर इनके उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इसके नेक्स्ट उदाहरण हमारे पास है जैसे और उदाहरणों में हमारे पास जैसे हमने लिया है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और ये हमारे पास है एसिड अमाइड, व्युत्पन्न आ रहे हैं एसिड की क्या ले रहे हैं अपन व्युत्पन्न ले रहे हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड का हमें क्या कराना है अपचेन कराना है, अपचेन कराने के लिए वही हम यूज में लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, अब ये OH आपने लिया है इसको आप एच एच करके लिख दीजिए अमोनिया के साथ क्या हो जाएगा अमीन NH2 के साथ क्या हो जाएगा एक एच जुड़ जाएगा NH3 अमोनिया की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड मिल गया, अब इस एल्डिहाइड का भी अपचेन होता है बताया था आपको मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की वजह से इसका भी अपचेन होगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए एक एच इधर जोड़ दीजिए एक एच इधर जोड़ दीजिए बताओ क्या बना आर सी एच क्या बन जाएगा एच टू और साथ में क्या जाएगा
अब इसको भी डबल स्टैक डबल लाइन में क्यों कर दो, एक लाइन में कर लो ना सीधे, दो और दो चार, दो और दो चार हाइड्रोजन आपने यूज में लिए हैं, तो इसको भी आप सिंगल स्टेप पे देख सकते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू, और आपने चार एच का मतलब टू एस टू लिया है, और वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास है, तो ये पीजी हो गया ना। बोलते हो कुछ नहीं करना, देखो पहले तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो आप एक एच इधर लगा दो, एक एच इधर लगा दो, ठीक है, फिर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, तो एक ऑक्सीजन इधर लगाओ, एक कार्बन लगाओ, अब जोड़ दो, देखो ये तो आपका एनएच थ्री हो रहा है, बाहर निकल रहा है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और इधर देखो आर सी एच टू ओ एच बन रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट इधर ये आ गया ना आर सी एच टू ओ एच, तो आर के स्थान पर आप सी एच थ्री सी टू एच फाइव भी लेकर इनके भी आप उदाहरण बना सकते हो। थ्योरी लिखने का तरीका वही है, ऐसे हमारे की अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है, ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जैसे अब आप इसको ग्रुप को थोड़ा चेंज करके लिखे, ग्रुप को जैसे हमने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, हमने ले लिया है क्या एस्टर ले लिया, और एस्टर का क्या करा रहे हैं जल अपघटन करा रहे हैं, सॉरी अब चेंज करवा रहे हैं, अब चेंज वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रहा है, बहुत ही अब चेंज होगा कैसे देखिएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा आर एच जुड़ जाएगा, तो क्या बाहर निकल गया आर ओ एच बाहर निकल गया, एक एल्कोहल का बाहर हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड है, अब इस एल्डिहाइड का वापस आपको ऑक्सीजन कराना है, तो ये तो अभी बताते आ रहे हैं किस टाइप से होगा, एक एच को आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, एक एच को आप इस तरह से जोड़ो, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा आर सी एच टू ओ एच, अब ये भी दो स्टेप का लिए हो, एक स्टेप में ही पूरी कर सकते हो, एक स्टेप में पूरी कैसे होगी देखो इसको, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, कितने एच लिए आपने चार, इसकी प्रेजेंस में करा रहे हो अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत ही नहीं, पहले इस बॉन्ड को तोड़ो, एक एच इधर लगा दो, एक कार्बन के पास लगा दो, फिर डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक एच इधर लगाओ, एक एच कार्बन पे लगाओ, आसान हो गया, आर सी एच टू एच ही बन रहा है, आर सी एच टू एच, और इधर क्या बन रहा है आर ओ एच, साथ में आर ओ एच आप यहां से बाहर कर दीजिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके विघटनों का आप क्या कराएंगे, अगर आप अपचेन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन डायरेक्ट बंद नहीं बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो आपका कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है ना, जिसमें आप एल्डिहाइड ला सकते हैं, कीटोन भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना, और इनके उदाहरण भी आप ले सकते हैं, और इनके उदाहरण करके आप इनके उदाहरण इनके क्वेश्चंस वगैरह भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो नेक्स्ट कंटेंट है एल्कोहल जो है जो हमारे पास एल्कीन है, ठीक है ना, एल्कीन का एल्कीन द्वारा हम रिएक्शन देख रहे हैं, आगे देखिएगा कितनी रिएक्शन हो गया हमारे पास, सबसे पहले अपन ने देखा एल्कीन हैलाइडों का जल अपघटन, फिर ईथर का देखा अपन ने, ईथर का भी अपन ने जल अपघटन ही कराया, फिर तीसरी अभिक्रिया अपन ने देखी कार्बनिल यौगिकों का अपचयन, और चौथी अभिक्रिया हमने देख ली कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों के प्रयोग। अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट अभिक्रिया पांचवें नंबर की है एल्कीनों द्वारा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, यानी कि आप इसको इंपोर्टेंट डाल दीजिए, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब एल्कीनों के द्वारा रिएक्शन में पहला टाइप का हमारे पास है एल्कीनों का अम्लीय जल अपघटन, एल्कीनों का अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। अब ये एल्कीनों का जो अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हैं, ठीक है, इसी के द्वारा हमें क्या मिलने वाला है एल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। अब अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो देखेगा, जैसे हमने एक एल्कीन ले ली सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, यहां हमारे पास एक एल्कीन, और एल्कीन का क्या कराना है जल अपघटन कराना है, और वो भी कौन सा जल अपघटन अम्लीय जल अपघटन कराना है, ये एक सममित एल्कीन है और सममित एल्कीन का नाम क्या है एथीन है, जल अपघटन कराने हो तो एच और ओ एच रखना पड़ेगा आपको,
अम्लीय जलघटन है तो आपने ले लिया कंसंट्रेट एस2एसओ4 को, या आप डायरेक्ट एच प्लस भी डाल सकते हैं सांद्र एस2एसओ4, या आपके पास एच प्लस है और ये ओएच माइनस, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया है कि बंद की इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, दोनों कार्बन की विद्युत ऋणता समान है, तो किसी भी कार्बन की तरफ आप बंद के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप इधर करते हो तो इस कार्बन के ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आ जाता है प्लस, ठीक है ना। आप एडिशन देखो, जोड़ना किस टाइप से होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्या आ जाएगा H आ जाएगा, उसका माइनस इसके प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। अगर आप दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH, यही तो है ये वाला कंटेंट। ये आपके पास क्या मिला है, एक एल्कोहल मिल गया। अगर मान लीजिए एल्कीन सममित नहीं है, असममित है, फिर क्या इसमें करें, फिर कैसे अभिक्रिया होगी वो देखिएगा, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास एक एल्कीन हमने ले लिया होगा RCH डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एल्कीन ही है, ठीक है, असममित एल्कीन है, और हम क्या कर रहे हैं जल अपघटन करा रहे, क्या करा रहे हैं जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि यू बोल रहे हैं कि एल्कीन का जो जल अपघटन है वो अम्ल की उपस्थिति में होने वाला है, तो अम्ल की उपस्थिति में आप जल अपघटन ले रहे हो और साथ ही साथ आपने क्या लिया है कंसेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है, कंसेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है और इसका जल अपघटन कराना चाहते हैं। तो भैया सबसे पहले क्या होता है, ये जो कंसेंट्रेट H2SO4 है ना, ये उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। कैसे अभिक्रिया करता है देखो, अब देखो ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन है, इस पे एल्कीन ग्रुप जो होता है वो बंद के, यानी कि क्या कहते हैं प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह, कैसा प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा। अभी इलेक्ट्रॉन देगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे आगे की ओर किसके लिए, जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की ओर फोड़ होंगे तो इसके ऊपर तो माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या रहेगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं H2SO4 किस टाइप से ऐड होगा, तो देखो H2SO4 के पास H+ होता है और साथ ही साथ अगर आप देखो तो इसको आप ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, H+ निकलने के बाद यहाँ पर बचता है HSO4-, ठीक है ना, ये इसी तरह से तो ब्रेक होता है आपका H+, बस इसको अपन को लिखना है, इसमें जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेगा देखो, RCH साथ में क्या आएगा CH2, अब इसमें तो माइनस है तो माइनस के साथ तो आप किसको जोड़ दो H+ को, और दूसरा आप बीच में क्या चल रहा है आपका प्लस चल रहा है, इसके साथ क्या जोड़ दो HSO4 को जोड़ दो, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया एल्किल हाइड्रोजन सल, ठीक है ना, एल्किल यानी कि युगात्पाद है पूरा का पूरा, ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ये क्या है युगात्पाद बन गया, क्या बन गया युगात्पाद। अब इस युगात्पाद का क्या करना है, जल अपघटन करना है, यानी कि इसकी अभिक्रिया करानी है HOH के साथ, हमने बोला था ना अम्लीय जल अपघटन, तो अम्लीय जल अपघटन करा है, अम्लीय जल अपघटन जब कराओगे तो यहाँ पर H+ होगा, ये OH- होगा, ये बॉन्ड आप तोड़ दीजिएगा सबसे पहले, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने देखा था माइनस आ रहा था, ये ना देखो तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा, H- है ये H+ हो जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा H2SO4, ये तनु मिलेगा ध्यान रखिएगा। अब OH- जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ तो बनेगा RCH OH और साथ में CH, तो इस टाइप से क्या बना लिया है हमने एल्कोहल बना लिया, क्या बना लिया है एल्कोहल बना, बहुत इजी अभिक्रिया थी। ऐसे ही अभिक्रिया आप और भी करके देख सकते हो। अब ये जो उदाहरण देगा वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, देखो किस टाइप से देगा, जैसे उसने दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और अभिक्रिया में आपको दे दिया है कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में यही डाल दिया है H2SO4, बोलेगा ए क्या बनेगा, ये लोग कंप्लीट करो, ठीक है ना, करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ध्यान रखिएगा ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला होता है प्लस आई प्रभाव वाला, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करो, यहां माइनस लगाओ यहां प्लस लगाओ, अब H+ और OH को यहां जोड़ो, H+ को इसमें जुड़ जाएगा OH- इसमें जुड़ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी इसके प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो एल्कीनों का जल अपघटन भी कर सकते हो। अब इसकी क्रिया भी दी गई कि एल्कीन पर का जो जल अपघटन होता है, ठीक है ना, उसमें तीन स्टेप्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, तीन स्टेप में सबसे पहले क्या होता है,
कि एच प्लस गेन होता है, एच प्लस गेन होने के बाद हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है, ठीक है, और वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनने के बाद उसमें से प्रोटोन बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास फाइनली हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। यानी कि यही कि अगर एक और एच जुड़ा हुआ मिल जाए तो उसे हम नाम देते हैं क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या नाम देते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल हम नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा हार्ड अभिक्रिया नहीं है, इजी अभिक्रिया है, ठीक है ना। मैकेनिज्म की अगर समझना चाहे तो देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इसकी मैकेनिज्म के लिए तीन स्टेप हमारे पास, मैकेनिज्म क्रियाविधि, क्रियाविधि के बारे में देखो, मैकेनिज्म को हिंदी में क्रियाविधि बोलते हैं। पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में क्या होगा कि प्रोटोनेटेड अपन शब्द की यूज में ले रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन का एडिशन होगा, तो वो किस तरह से होगा, जैसे आपने ले लिया आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और आपके पास आ रहा है कौन, एच टू एस ओ फोर अपने यूज में ले रहे हैं, कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर आपने लिया, तो इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, ये एच प्लस आ गया, ये एच एस ओ फोर माइनस आ गया, इस तरह आप इसको कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह का अगर आप इसको करते हैं तो यह हमारे पास जो कंटेंट बनेगा वो बनेगा आर सी एच सी एच टू, यहां पर एच लग गया और ये हमारे पास क्या था, एच एस ओ फोर माइनस, ठीक है ना। तो ये पहले स्टेप में हमारे पास इस तरह से भी कर सकते हो इसको, और दूसरे स्टेप में आप किस तरह से करोगे, आर सी एच एच एस ओ फोर और यहां पर हमारे पास क्या है, सी एच। अब इसके अभिक्रिया हम करा रहे हैं प्रोटोनेटेड, अब प्रोटोनेटेड जल से, या जल से करा दो अभिक्रिया डायरेक्ट, ये जो जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना। तो जल के साथ अभिक्रिया कराने के लिए ग्रुप बाहर निकल गया, ये ग्रुप जैसे ही बाहर निकलेगा माइनस एच एस ओ फोर माइनस बाहर निकल रहा है और हमें मिल रहा है आर सी एच, जल के अणु इस तरह से यहां जुड़ जाते हैं और ये हमारे पास क्या है, सी एच थ्री, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल का तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए आर सी एच ऑक्सीजन एच, ये एच और इधर क्या है, सी एच। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, अपने बंद के इलेक्ट्रॉनों को यही छोड़ देता है और ये बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा एच प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या, आर सी एच ओ एच और इधर क्या जाएगा, सी एच। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एच प्लस क्या करेगा, तो एच प्लस इस एच एस ओ फोर माइनस के साथ जुड़कर वापिस एच टू एस ओ फोर बना देगा। तो ये अभिक्रिया हो गई किसके लिए, आपकी इसके लिए हो गई, मैकेनिक क्रिया भी हो गई आपकी एल्कीन के जल अपघटन के लिए। कॉपी करो इसको, ओके चलिए। अब हमारे पास इसका एक और अभिक्रिया आता है, तो ये एल्कीन का हमने देखा, एल्कीन का किस प्रकार से आप अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं में ये अपने पास अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया भी हमारे पास इसी के ऊपर बेस्ड है कि एल्कीन के द्वारा अपन ने अभिक्रिया पढ़ी, एल्कीन के द्वारा पहली अभिक्रिया हमारे पास आ गई कि एल्कीन से एल्कोहल को किस प्रकार से बनाते हैं, उसमें पहली अभिक्रिया हमारे पास क्या है कि एल्कीन का अम्लीय जल अपघटन, और दूसरी अभिक्रिया हमारे पास क्या आने वाली है, दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है इसका बोरोनिकल, एल्कीन का बोरोनिकल। अब एल्कीन का बोरोनिकल कराने के लिए हमारे पास लुईस अम्ल का होना जरूरी है, बीएस थ्री, इसका क्या यूज में लेंगे अपन, बीएस थ्री, बीएस थ्री ले लो या फिर डाइक्लोरीन बी टू एस सिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो दूसरी अभिक्रिया है और वहां से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने बनते हैं, ठीक है ना। देखिएगा लास्ट अभिक्रिया, देखिएगा बी अभिक्रिया अपन यहां पर देख रहे हैं, और बी अभिक्रिया है एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, बोर्ड में भी कई बार ये अभिक्रिया आ चुकी है। अब हाइड्रोबोरोनीकरण कराने के लिए हमारे पास एल्कीन होना चाहिए, अब हाइड्रोबोरोनीकरण जो होता है वो बीएस थ्री की प्रेजेंस में होता है, या तो आप बीएस थ्री लिख सकते हो जिसे आप
और BH3, या फिर आप BH3 के दो मोल ले सकते हो। अगर BH3 के दो मोल लोगे तो आपके पास कंटेंट बनेगा B2H6, आप इसे भी यूज कर सकते हो। बोरेन नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? बोरेन नाम देते हैं।